किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। क्या आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही है या ग्रोथ अच्छी चल रही थी अचानक से स्टॉप हो गई है? क्या आपकी फसल में भी कम फूल बन रहे हैं या फूल बन रहे हैं लेकिन फूल ऐसे में गिर रहे हैं, यानी कि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है? क्या आपकी फसल में कम फल बन रहे हैं या फल ऐसे में गिर रहे हैं या जो फलों की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है? क्या आपको भी कम उत्पादन अपनी फसल से मिलता है, कम उत्पादन का आपको सामना करना पड़ता है? तो इनमें से कौन सी समस्या आपकी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इन सभी समस्याओं का एक समाधान, यानी कि समस्या अनेक समाधान एक, हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं जिसका नाम है बूम फ्लावर। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम बूम फ्लावर के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं कि बूम फ्लावर क्या होता है, इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारी फसलों पर, इसकी डोज क्या है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि इसको हमें फसलों पर किस स्टेज में स्प्रे करना है। क्योंकि सही समय पर यदि आप स्प्रे नहीं करते हैं तो आप केवल इसका 50% बेनिफिट ही ले पाएंगे। यदि बूम फ्लावर का आप सही स्टेज में फसल की में स्प्रे करते हैं, सही डोज के साथ स्प्रे करते हैं, तभी आप इसके 100% बेनिफिट अपनी फसल पर ले पाएंगे। तो किस स्टेज में हम स्प्रे करें और उसकी स्टेज में क्या क्या बेनिफिट हमें स्प्रे के देखने को मिलते हैं, ये भी मैं वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बूम फ्लावर के बेनिफिट्स की बात करें कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारी फसलों पर स्प्रे करने के। तो जो मैं तीन स्प्रे आपको बताता हूँ, वो स्प्रे तीन स्प्रे अपनी फसल पर लेते हैं तो आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो इस तरीके से हैं। पहला बेनिफिट्स कि आपकी फसलों का जो रूट फॉर्मेशन है यानी कि जड़ों का विकास है वो काफ़ी बेहतर होगा, अच्छे से होगा। किसी भी फसल का रूट फॉर्मेशन यानी कि जड़ों का विकास जितना अच्छा होता है फसल उतनी अच्छी रहती है, उतने लंबे समय तक चलती है और उतना ही अच्छा प्रोडक्शन देती है। जब भी आप बूम फ्लावर का स्प्रे करते हैं तो सेकेंड जो आपको बेनिफिट देखने को मिलता है वो ये है कि जो हमारे पौधा है उसका जो न्यूट्रिशन अपटेक है वो बढ़ जाता है और जो न्यूट्रिशन की क्षमता है हमारे भूमि के अंदर वो बढ़ जाती है। तो न्यूट्रिशन अपटेक ज़्यादा होगा प्लांट के अंदर तो ज़्यादा भोजन बनाएगा, ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिलेगा, क्वालिटी वाला हमें प्रोडक्शन मिलता है। तीसरा जो बेनिफिट हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी जो फसल है उसमें अधिक संख्या में फूल बनते हैं, फूल ड्रॉपिंग की समस्या यानी कि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या भी हमें देखने को नहीं मिलती है। फूलों से जो फल बनते हैं वो भी अधिक संख्या में बनते हैं, फलों की क्वालिटी अच्छी रहती है। और जो लास्ट जो इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलता है वो ये है कि जो फसल की मैच्योरिटी है वो हमें जल्दी मिलती है, यानी कि फसल आप अर्ली हार्वेस्ट कर पाएंगे और अच्छी फसल, अच्छी यील्ड आप ले पाएंगे और क्वालिटी वाली यील्ड आप ले पाएंगे। तो ये सभी बेनिफिट हमें बूम फ्लावर का स्प्रे करने के मिलते हैं। तो इसकी डोज क्या रखनी है हम ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, डोज हमें 2 से 3 ml पर लीटर पानी के साथ मिलाकर हमको इसका स्प्रे लेना होता है। स्प्रे कब कब लेना होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो 2 ml हमें कब लेना है, जब हमारी क्रॉप छोटी है तो हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, यदि क्रॉप बड़ी है तो हम 3 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तो क्रॉप के स्टेज के अकॉर्डिंग यानी कि क्रॉप की किस स्टेज में छोटी है या बड़ी है उसके अकॉर्डिंग आप जो इसकी डोज है उसको 2 से 3 ml में मैनेज कर सकते हैं। अब जानते हैं कि बूम फ्लावर को हम किसके साथ मिक्स कर सकते हैं, किसके साथ इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो बूम फ्लावर को आप किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ, किसी भी फंजीसाइड के साथ मिक्स कर सकते हैं, केवल बोर्डेक्स मिक्सर के साथ और सल्फर बेस्ड जो भी हमारे केमिकल हैं या सल्फर के साथ आप इसको मिक्स ना करें। बाकी किसी भी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के साथ इसको मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जानते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि हमें किस स्टेज में और कब हमको इसका स्प्रे लेना है। तो देखिए, जो फर्स्ट स्प्रे आपको लेना है, किसी भी फसल में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपकी कोई भी, चाहे वो फल वाली फसल है या आपकी वेजिटेबल्स की फसल है या सीरियल क्रॉप है, धान, मक्का, गेहूँ, इनमें सभी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और एक अच्छी यील्ड, एक क्वालिटी वाली यील्ड आप ले सकते हैं। तो पहला स्प्रे हमें जब कब करना है, बुवाई यानी कि सोइंग या ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन बाद। आपने आप फसल की सोइंग की है, डायरेक्ट बुवाई की है या ट्रांसप्लांटिंग की है तो उसके 20 दिन बाद आपको इसका फर्स्ट स्प्रे लेना है। उस स्टेज में स्प्रे करने के क्या बेनिफिट होते हैं ये भी जान लेते हैं। देखिए, उस स्टेज में क्या होता है, हमारी जो क्रॉप होती है उसके जो रूट फॉर्मेशन वो हो रहा होता है। तो जब हम इसका स्प्रे उस स्टेज में लेते हैं तो रूट का फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से होता है, अच्छे रूट का विकास होता है। रूट का विकास अच्छा होने के कारण जो प्लांट है हमारा हेल्दी रहता है लंबे समय तक, कीटों व रोगों से मुक्त रहता है, अच्छा न्यूट्रिशन अपटेक कर पाता है, अच्छी यील्ड हमें मिलती है और उसकी ग्रोथ अच्छी चलती है।
और उस स्टेज में दूसरा जो फायदा होता है ये होता है कि जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं हमारे पौधे की, वो अधिक संख्या में निकलती हैं। यदि आप सीरियल क्रॉप में इसका उपयोग कर रहे हैं, जैसे धान की क्रॉप में या गेहूं की क्रॉप में, तो उसमें जो ट्रेलेज की संख्या है उसको बढ़ाता है। तो ये बेनिफिट हमें उस स्टेज में इसके स्प्रे से देखने को मिलते हैं। तो पहला स्प्रे बुवाई या ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन बाद। चलते हैं दूसरे स्प्रे की तरफ। तो इस जो बूम फ्लोवर का दूसरा स्प्रे हमें अपनी फसल पर लेना है, वो लेना है जब भी हमारी फसल में फ्लोवरिंग स्टेज होने वाली है, यानी हमें लगता है कि अब फ्लोवर आने स्टार्ट हो जाएंगे, उससे 20 दिन पहले, यानी कि फूल बनने से 20 दिन पहले आपको इसका दूसरा स्प्रे अपनी फसल पर करना है। उस स्टेज में स्प्रे करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं ये भी जानते हैं कि उस स्टेज में यदि आप स्प्रे करते हैं तो फूलों की संख्या जो है आपकी फसल में अधिक बनेगी। जब फूलों की संख्या अधिक बनेगी तो फल भी अधिक संख्या में आएंगे और आपको जो यील्ड है वो बेटर मिलेंगे, अच्छी यील्ड आपको मिलेगी। तो दूसरा स्प्रे आपको तब करना है। थर्ड स्प्रे की तरफ यदि हम चलते हैं तो थर्ड स्प्रे आपको करना है फूल आने के बाद। फूल आने के बाद थर्ड स्प्रे आपको लेना है। तो फ्लोवरिंग स्टेज में यदि आप थर्ड स्प्रे लेते हैं तो उस स्टेज में क्या बेनिफिट होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो थर्ड स्प्रे के में जो हमें बेनिफिट मिलते हैं, फ्लोवरिंग स्टेज में जो हमें बेनिफिट मिलते हैं अपनी फसल पर, वो ये कि एक तो जो हमारे फ्लोवर ड्रॉपिंग की समस्या हमें देखने को मिलती है वो हमारी फसल में नहीं आती है। फूल से जो फल बनने की प्रक्रिया है उसमें अधिक संख्या में फल बनते हैं, फल क्वालिटी वाले बनते हैं, फलों में ड्रॉपिंग नहीं आती है और फलों का जो साइज है वो अच्छा मिलता है, तो जिससे हमें जो यील्ड है वो बेटर मिलती है। और इन तीन स्प्रे लेने के बाद जो हमारी फसल की मैच्योरिटी है वो भी हमें अर्ली मिलती है, यानी कि अर्ली हार्वेस्ट हम अपनी फसल को कर पाएंगे, जल्दी हम अपनी फसल को जो मार्केट है उसमें बेच पाएंगे, अच्छा मुनाफा हम कमा पाएंगे। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। तो इन स्टेज में आप बूम फ्लोवर का स्प्रे अपनी फसलों पर करें। तो तीन स्प्रे के बाद आप अपनी फसल पर बहुत ही खुश होने वाले हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको एक अच्छी यील्ड मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।